नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द बेनेडिक्ट। दोस्तों, अगर आप वीडियो का थंबनेल देखकर यहां आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हां, 57,890 किलोमीटर/आवर की स्पीड देखकर आप हैरत में मत पड़ जाइएगा। दरअसल नासा के एक स्पेस प्रोब वॉयेजर 2 की स्पीड है ये। तो एक स्पेस प्रोब पर वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वीडियो देखकर आप खुद जान जाएंगे कि ये जरूरी क्यों था। दरअसल दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे द बेनेडिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से तुरंत कर लें, ताकि हमारे फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वॉयेजर 2 को नासा ने 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया था, ताकि बाहरी ग्रहों की जानकारी प्राप्त हो सके। दरअसल बात यह थी कि नासा ने सोचा कि हमारे सौर मंडल के कुछ ग्रह एक सीध में आ सकते हैं, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए और एक प्रोब भेजा जाए जो इन ग्रहों के पास से निकल जाए और हमें इनके बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। इसी कड़ी में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने 2 प्रोब तैयार किए, जिनमें से एक को बृहस्पति, शनि और प्लूटो के पास से जाना था, जिसे वॉयेजर 1 नाम दिया गया, जबकि दूसरे को बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के पास से जाना था, जिसे वॉयेजर 2 नाम दिया गया। वॉयेजर 2 में 10 हाइड्रोजन थ्रस्टर्स, 3 एक्सिस स्टेबलाइजर सिस्टम भी यूज किए गए हैं और एक जायरोस्कोप का भी यूज इसमें किया गया है। और इसको एंटीने को अर्थ की तरफ फेस करने के लिए एक सेलेस्टियल रेफरेंस सिस्टम का भी यूज किया गया है। और दोस्तों, यह डीप स्पेस नेटवर्क पर काम करता है, जिसकी स्पीड तकरीबन 115 kbps की है, और इसमें एक 64 KB का टेप रिकॉर्डर भी है, जो कि इस कनेक्शन ना होने पर डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। इस प्रोब को चलाने के लिए प्लूटोनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है और अभी तक इसमें इतनी ताकत बची है कि 2020 तक काम कर सके। वॉयेजर 2 ने 25 अप्रैल 1979 को बृहस्पति को पार कर लिया था, जबकि 5 जून 1981 को शनि को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। वॉयेजर 2 ने 4 नवंबर 1985 को यूरेनस के पास पहुंचा और 5 जून 1989 को नेपच्यून के पास पहुंचा। क्योंकि इसका काम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन प्रोब अभी भी सही सलामत था, तो इसको इंटरस्टेलर स्पेस की जर्नी के लिए आगे बढ़ते रहने दे गया और ये इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ों में सबसे दूर जाने वाले पहला प्रोब बन गया। अभी भी इसमें अपनी इतनी ताकत बची हुई है कि ये 2020 तक अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए इसको अभी अपनी असीमित यात्रा पर आगे बढ़ते रहने दिया गया और देखते ये है कि यह कहाँ तक जा पाता है। अगर कोई दूसरी दुनिया है तो शायद ये वहाँ भी पहुँच जाए। और इसमें गोल्डन रिकॉर्ड रखा हुआ है और तकरीबन 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स लिखी हुई है, ताकि कोई अगर एलियन प्रजाति एग्जिस्ट करती है तो उसको हमारे बारे में पता चल सके, जो इनमें 55 भाषाएं यूज की गई हैं, जिसका लगभग सबका मतलब यही है कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ। तो उनमें से 6 भारतीय भाषाएं भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें द बेनेडिक्ट।